इंडिया, यूएसए, चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, मेक्सिको, कनाडा, जापान, यूके, इन सबसे ग्रो आगे कर गए, निकल गए इन द टर्म ऑफ वो इकोनॉमी में। रशिया या सऊदी अरब मिलके कोई ड्रामेबाजी या कोई इस तरह की हरकत नहीं करते जो अनएथिकल है और वो जानबूझकर इसको नहीं तेल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय YouTube चैनल हिजा, मेरा रिएक्शन इट्स मी योर होस्ट हिजा वसीम, मेरे साथ है मेरा आना से। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है कि IMF ने एक लिस्ट जारी किया और उस लिस्ट के मुताबिक अगर आप देखें तो कोई भी जो है कंट्री उसकी जो GDP है वो तकरीबन 5% से जो है वो क्रॉस नहीं कर रही, लेकिन इंडिया की जो GDP है वो 6.1% पे चली गई। मतलब इंडिया ने क्रॉस कर दिया उस सारे सिलसिले को। सो इंडिया ने अपने आप में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। और देखें, रशिया नीचे है, यूएसए नीचे है, चाइना नीचे है और दूसरे ममालिक, तीन चार ही कंट्रीज़ को हम बड़ा कंसीडर करते हैं, रशिया, चाइना, यूएसए, ये इंडिया से पीछे चले गए तो इंडिया इनसे आगे चले गए। तो ये ऑब्वियसली बात है, इंडियन के लिए बहुत प्राउड की बात है। किस तरह से गया, क्या मामला हुए, कौन सी लिस्ट जारी हुई, किस तरह रशिया पीछे रहेगा, वो सारे हम अब देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वहीं चलते हैं देखते हैं। नमस्कार, नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर, जो प्रशांत धवन। नाउ जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की तो दिमाग में आता है एक फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा गरीब देश, इकोनॉमी बिल्कुल उसकी क्रम्बल कर रही है और IMF बड़ी कड़ी शर्तों में आकर उस कंट्री को बचाने की कोशिश कर रहा है। मगर IMF सिर्फ ये सब नहीं करता, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दुनिया भर में कौन सी कंट्री कितना ग्रो कर रही है, उसकी इकोनॉमी कहाँ पर पहुँचेगी, इसकी भी प्रेडिक्शन करता है, कैलकुलेशन करता है। तो हाल ही में IMF ने सोचा कि ये भी नॉस्ट्राडामस की तरह कुछ प्रेडिक्शन करे 2023 साल के लिए, और फिर IMF ने यहाँ पर ये ट्वीट कर दी। इस सबसे आगे निकल गया ने ये दिखाया कि इनके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2023 में दुनिया की ग्रोथ रेट क्या होगी, कौन सा देश कितना ग्रो करेगा। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, इस वक्त चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022, तो 2022 के लिए IMF की प्रेडिक्शन ये है कि भारत की GDP ग्रोथ रेट आने वाली है 6.8। अब क्या है कि जब ये साल खत्म होगा उसके बाद जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम बीत जाएगा, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में IMF ने दुनिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही नेगेटिव प्रेडिक्शन करी है। IMF ने ये कहा है कि भारत 2023 में 6.1% ग्रो करेगा और भारत अकेली इकोनॉमी है IMF की पूरी लिस्ट में जो 5% के ऊपर ग्रो करने वाली है। आप देखकर चौंक जाएंगे, यूरोप का इकोनॉमिक पावर हाउस जर्मनी की इकोनॉमी सिकुड़ने वाली है। आपको पता होगा जर्मनी आज के समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पांचवे के बाद चौथा पायदान हमको मिल जाए नॉमिनल GDP के मामले में। तो जर्मनी की जो GDP गिर रही है इससे ऑफ कोर्स भारत को थोड़ा बहुत फायदा होगा, मगर ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ही खराब संकेत है कि जर्मनी, इटली, ये सब नेगेटिव में चले जाएंगे। USA सिर्फ 1% ग्रो करेगा, यूनाइटेड किंगडम भी बिल्कुल मिनिस्कुल 0.3% के आसपास ग्रो करेगा। रशिया की हालत तो बहुत खराब है, इस साल रशिया ने जो गड्ढा किया है अपनी इकोनॉमी का ये है -3.4%। और इसके बाद अगले साल भी रशिया की इकोनॉमी और सिकुड़ जाएगी -2.3%। तो इस पूरी लिस्ट में आप देखोगे शायद ही आपको कोई देश दिखेगा जिसकी ग्रोथ रेट देख कर कुछ आप कह लीजिए पॉजिटिव फीलिंग आती है कि नहीं ये कंट्री आगे ग्रो करता रहेगा। तो इस पूरी लिस्ट में आप अगर देखो तो सिर्फ भारत ही अकेला देश दिखता है जिसकी ग्रोथ रेट जेन्युइनली बनी रहेगी, जो लिटरली आप कह सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी को भी मोटिवेट करेगा। नहीं तो IMF ने प्रेडिक्शन ये करी है कि अब से लेकर 2026 तक, जी हाँ, नॉस्ट्राडामस जब IMF बनता है तब बहुत दूर की ये जो प्रेडिक्शन करते हैं, इनके हिसाब से अब से लेकर 2026 तक ग्लोबल इकोनॉमी में $4 trillion का लॉस होगा। इसका मतलब ये है कि जितनी इकोनॉमी जर्मनी की है ना नॉमिनल GDP में आप अगर देखो तो जर्मनी की इकोनॉमी का साइज $4 trillion के आसपास है। तो यही मान लो इकोनॉमी के मामले में एक जर्मनी के साइज का कंट्री ही देश से बाहर निकल जाएगा। और इसलिए IMF ने ये भी कहा है कि वर्स्ट इज येट टू कम, आने वाले कुछ महीने बहुत चैलेंजिंग होंगे, महंगाई बढ़ेगी, चुनौतियाँ आएंगी और भारत के सामने बड़ी चुनौतियाँ आने वाली है। ना भारत के सामने क्या चुनौतियाँ आएंगी,
अलावा भारत के सामने क्या चुनौतियां आएंगी। ऑफ कोर्स ये मैच देखकर किसी भी भारतीय को अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट चाहे बड़े बड़े देश ग्रो नहीं कर पा रहे, इंडिया तो लगातार ग्रो करेगा। मगर इस सबका मतलब ये भी नहीं है कि ऑल इज वेल। बहुत चुनौतियां आएंगी, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इन सब टॉपिक्स को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया है किस कंट्री के साथ। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन न्यूजीलैंड, रशिया, जापान या फिर फ्रांस। कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करिए, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ इवन दो आईएमएफ ने ये कहा है कि भारत की इकोनॉमी लगातार आगे ग्रो करती रहेगी, बट एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सारी दुनिया के सामने ये आने वाली है कि इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़रा बढ़ जाएगी, जिससे कॉस्ट ऑफ लिविंग पर काफ़ी प्रेशर आएगा। डज नॉट मैटर वेयर यू लिव, जहाँ भी आप रहते हो, कुछ कंट्रीज में ऑफकोर्स ज़्यादा आएगा। अगर मान लो कोई आदमी पाकिस्तान श्रीलंका में रहता है तब उस पर बहुत प्रेशर आएगा इन्फ्लेशन का, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्ट प्रॉब्ली इन्फ्लेशन होने वाली है 20% के आसपास, जीडीपी ग्रोथ रेट होगी 2% के आसपास। बट इवन आप अगर यूके में रहते हो, फ्रांस में रहते हो, तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली आपको हिट करेगी। आईएमएफ ने ये कहा है कि ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है 8.8% तक। इस साल के अंत में आप देखोगे इन्फ्लेशन पीक करेगी, कई चीज़ों के दाम बहुत ज़रा बढ़ जाएंगे। इंडिया में ऑलरेडी देख रहे हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन वापस 7.41% पे जा चुकी है और इन द फ्यूचर ये और भी बढ़ती रहेगी। और अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो हम कैलकुलेट करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, ये लगातार बढ़ती क्यों जा रही है, तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, दुनिया भर में फूड और एनर्जी के प्राइसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं ना, उसका इम्पैक्ट इवेंचुअली हर तरफ आपको दिखेगा। अब फॉर एग्जाम्पल हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने ये कहा है कि कच्चे तेल के दाम वापस $110 के भी ऊपर पहुंच जाएंगे। अभी $90 के आसपास झूल रहा है, 1994 के आसपास है कच्चा तेल, ये वापस $110 के भी ऊपर जाएगा, क्योंकि रशिया और ओपेक ने जो डील कर दी है कि जी हम ऑयल प्रोड्यूस ही कम कर देंगे, ऑयल सप्लाई ही कम करेंगे, आर्टिफिशियल नकली तरीके से हम ऑयल के दाम बहुत ज़रा बढ़ा देंगे। ये जो गलत काम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, यूएई समेत कंट्रीज जिनमें रशिया भी शामिल है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पूरी दुनिया में देखोगे। हालांकि कई देश है यूरोप में, इवन यूएस, ये सब आज के समय कह रहे हैं सऊदी अरेबिया को, रशिया को, कि जो तुमने डील करी है कि कच्चा तेल कब प्रोड्यूस करोगे, इसके रिस्पॉन्स में यूएस एक्शन लेगा। मगर ये एक्शन मैक्सिमम क्या हो सकता है, सऊदी अरेबिया ये मान के चल रहा है कि मैक्सिमम ये होगा कि यूएस अपने जो सोल्जर्स है ये पुल आउट कर लेगा सऊदी अरेबिया से, यूएई से, मैक्सिमम ये हो सकता है। उसके अलावा यूएस कुछ ज्यादा यहाँ पर कर नहीं पाएगा, और सिंस सऊदी अरेबिया और यूएई ये बात अच्छे से समझते हैं, रिसेंटली यूएई ने यूएसए को मैसेज सेंड करने के लिए अपना जो प्रेसिडेंट है ये भेज दिया रशिया। यहाँ पे आप देख पाओगे ये यूएई के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं ये अभी रिसेंटली गए हैं रशिया में, व्लादिमीर पुतिन से मिले, बहुत ही गर्मजोशी से इनका वेलकम हुआ रशिया में। फिर एक और फुटेज ये भी आई कि यूएई के प्रेसिडेंट को ठंड लग गई रशिया में, क्योंकि रशिया में आज के समय आप अगर देखो तो तापमान काफी हद तक कम हो रहा है, तो व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा स्वीट जेस्चर दिखाया और अपनी जैकेट दे दी यूएई के प्रेसिडेंट को, एक मैसेज सेंड करने के लिए दुनिया को कि ओपेक प्लस जहाँ पे आपको 23 देश मिलेंगे इंक्लूडिंग रशिया एंड सऊदी अरेबिया, ये इकट्ठा खड़ा है, जहाँ पर एक तरफ दुनिया भर में जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगी, कंट्रीज हो सकता है कि बैंकरप्ट भी हो जाए काफी जगह, ये सब देश इस टाइम भी कच्चा तेल रिकॉर्ड तोड़ ऊंचे दामों पर बेचकर अपना प्रॉफिट कमाएंगे। और यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हैं जब कच्चा तेल वापस $110 पर बैरल के भी ऊपर जाएगा तो उसके बाद भारत के साथ क्या होगा, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये बहुत ज़रा बढ़ जाएगा। मतलब कि देखो कच्चा तेल तो हमको परचेज करना है, चाहे रशिया हमको डिस्काउंट दे दे या फिर कोई और कंट्री डिस्काउंट दे दे, मगर ओवरऑल जो बेस प्राइस है कच्चे तेल का वही अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उस पर डिस्काउंट भी कितना इम्पैक्ट डाल देगा। इवेंचुअली आप देखोगे कि ये सब जो हो रहा है ना, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा भारतीय करेंसी पर, ना सिर्फ भारतीय करेंसी पर, दुनिया भर की करेंसीज पर। मगर इंडियन करेंसी की वैसे अगर हम बात करें तो आराम से भारतीय रुपया आराम से 84 से लेकर 85 तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे आप एक आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि सर इसको नेगेटिव तरीके से हम क्यों इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है रुपी की डेप्रिसिएशन होगी, माना महंगाई भारत में बढ़ेगी ओवरऑल, ये सब दिन आने वाले हैं दिख रहा है साफ साफ, मगर जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तब हमारे एक्सपोर्ट्स भी तो बढ़ेंगे, हमारी जो कंपनीज हैं आईटी कंपनी हो गई, इन्फोसिस, विप्रो, इनकी कमाई बढ़ेगी, तो ये तो अच्छी बात है ना एक तरीके से। देखो आपको एक बात बताता हूँ, हाल ही में हमारी वित्त मंत्री ने ये कहा था कि रुपी की जो गिरावट ये जरूरी नहीं है, 100% कन्फर्म नहीं है कि इससे एक्सपोर्ट्स में हेल्प मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, रुपी फॉल
मे और मे नॉट हेल्प एक्सपोर्ट्स, क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये है सिर्फ रुपये नहीं गिर रहा, दुनिया भर में ऑलमोस्ट सारी करेंसीज गिरेगी, जो डिमांड है, जो ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ है ये कम हो रही है, तो हम एक्सपोर्ट भी किसको करेंगे? इंटरनेशनली अगर बहुत से कंट्रीज की जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार कम होती रहेगी तो वेयर विल यू एक्सपोर्ट? इस साल मैं आपको बताऊं तो यूएस सिर्फ ग्रो करने वाला है 1.6%, जापान ग्रो करेगा सिर्फ 1.7%, तो आप किस कंट्री को जाकर बेचोगे? तो दिस इज अ ह्यूज इशू। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि देखिए बिल्कुल हम दुनिया से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ डिसीजंस हमने लिए हैं भारत में, जैसे कि विदेशी मुद्रा भंडार बचा के रखा और स्टेप्स लिए हैं, उसका हमको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, मगर लॉन्ग टर्म में इट विल बी अ डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरी कंट्री, हर देश को बहुत ज़्यादा मुश्किल सहनी होगी आने वाले कुछ सालों में। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट जो आजकल न्यूज़ में है, ये रिसेंटली भारत ने किस देश के साथ साइन किया है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। यहाँ पर आप देख पाओगे वाइड शिप्स होती है कमर्शियल शिप्स, कार्गो शिप आप कह लीजिए, तो इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर करी जाएगी भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। और क्या कहती हैं रीजा? मुझे तो पूरे दुनिया पे ईरान इन्फ्लेशन की तो मुझे लगता है बारिश होने लग पड़नी है, मतलब जितने हालात ख़राब हैं, बेशक अगर इंडिया भी ग्रो कर रहा है बट फिर भी फेस तो सबको करना पड़ रहा है। जब इंडिया जैसे ममालिक या जो यूएस जैसे ममालिक भी इन्फ्लेशन करेंगे फेस, तो मैं सोच रही हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क का क्या होगा? वो पाकिस्तान जैसे मुल्क का ये होगा ना कि वो कहेंगे कि अब ये हो गया तो क्या कर सकते हैं, वो आगे से ये चुप करके ये लॉलीपॉप दे सकते हैं। अब बात है, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ये सारी बातें अपनी जगह के जिस तरह से भी ये इंडिया वगैरह का जो मामला चलेगा और वो कच्चे तेल का वो सारा कुछ है, ये सारे कुछ अपनी जगह, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है और वो मुझे जो सबसे अच्छी लग रही है कि इंडिया, यूएसए, चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, मेक्सिको, कैनेडा, जापान, यूके सबसे ग्रो आगे कर गया, निकल गया इन द टर्म ऑफ कि वो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, सो इन सब में से वो आगे निकला है। दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो ओवरऑल तो अगर रशिया या सऊदी अरब मिलके कोई ड्रामेबाजी या कोई इस तरह की हरकत नहीं करते जो अनएथिकल है और वो जानबूझकर इसको नई तेल की कीमतों को बढ़ाते, तो फिर तो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा आपको चेंज देखने को मिलेगा। और ये हैं वो चीज़ें, अब ये IMF ने अगर ये लिस्ट जारी किया तो IMF ने लिस्ट वो व्लादिमीर पुतिन या किंग मोहम्मद सलमान के हवाले से उनकी ये जो खुराफाती जेन है उसको जेन में रखते हुए नहीं किया, उन्होंने तो एक जनरल किया कि ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन इन सब की बुनियाद पे अगर आप देखो कि ये तो उन लोगों के, अगर मिसाल के तौर पे व्लादिमीर पुतिन जानबूझ के तेल की जो है उसको करता है तो फिर क्या होगा? फिर यह है कि रशिया की इकोनॉमी में आपको जहाँ पे वो -2.3% पे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा गिराव देखने को मिलेगा और वो थोड़ी सी इम्प्रूव करेगी। लेकिन इसी तरह अगर जहाँ पे फ्रांस है, जहाँ पे इटली है, जहाँ पे स्पेन है, जहाँ पे यूके है, जहाँ पे जापान, मेक्सिको, तो इन सब की इकोनॉमीज जो में जो आपको है वो और ज़्यादा गिरावट नज़र आएगी और वो और ज़्यादा कमज़ोर होती हुई दिखाई। इवन तो USA की इकोनॉमी में भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो इंडिया की इकोनॉमी में इसमें भी आएगा, बट मसला ये है कि अगर ये ना हो तो इंडिया 6.1% के साथ इस वक्त पूरी दुनिया को लीड कर रहा है और सामने नज़र आ रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी में जो है वो नंबर वन पे जो है वो ग्रोथ में जा रही है। सो ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन थोड़े से मामला आएंगे उनको देखना पड़ेगा, लेकिन इंडियंस को वाकई इस चीज़ पर गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि उनके कंट्री की इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। आप इस हवाले से क्या रखते हैं कॉन्वर्स क्लास में लाजमी शेयर करें वीडियो को और साथ ही साथ लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक लेने में दुआओं में याद रखें, अल्लाह ने के